हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टू। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला एप्लीकेशन जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड। नाउ ये वर्ड अपने आप में कहने के लिए बहुत काफी है, इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड, यानी आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके कुछ एनालिटिकल मेथड्स को डिजाइन करते। तो क्वेश्चन उठता है कि ये एनालिटिकल मेथड्स क्या होते हैं। सर, ये एनालिटिकल मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जिससे आप एनालिसिस कर सकते हो। मतलब अगर मैं आपको एक एसिडिक सॉल्यूशन दूं और अगर मैं आपसे पूछूं बताओ उस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन कितने प्रेजेंट हैं, या इनडायरेक्टली मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं उसका पीएच कितना है। अब ये तो H+ आयन की बात हो गई। या मैं आपको कोई भी एक मेटल आयन का सॉल्यूशन दूं, एक एनी मेटल आयन सॉल्यूशन, और अगर मैं आपसे पूछूं बताओ उस मेटल आयन सॉल्यूशन में मेटल का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो सर ये करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। हम कन्वेंशनल मेथड यूज करते आ रहे हैं, हमने ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस किया है, हम उसका प्रेसिपिटेशन बना के उसका वे करके हम अलग अलग मेथड से करते हैं। हमने इंडिकेटर्स के साथ टाइट्रेशन करने का भी मेथड सीखा है। हम अगर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन आप कर रहे हो, आप फिनोप्थलिन इंडिकेटर का यूज कर सकते हो। कलर चेंज से हम पता कर सकते हैं कि जहां पर भी एंड पॉइंट आएगा हम बता देंगे। इसके बाद हम कुछ इक्वेशन यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरा एसिड कितना था या मेरा बेस कितना था। सो वी हैव गॉट एन नंबर ऑफ मेथड्स जिनके साथ हम किसी भी गिवन सॉल्यूशन का एनालिसिस कर सकते हैं। बट द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड द मोस्ट वाइडली यूज जो आज के एनालिटिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं वो है इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड। इसका रीजन ये है कि ये बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं। सेकंड थिंग, बहुत ही कम से कम क्वांटिटी में भी अगर मेरे पास एक एनालाइट प्रेजेंट होगा, अगर बहुत ही कम क्वांटिटी में अगर मेरे पास कोई सोल्यूशन में कटानी अनायन प्रेजेंट है, मैं उसको भी डिटेक्ट कर सकता हूं। ऐसा ही पहला मेरे पास एक मेथड है जिसको कहा जाता है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। नाउ व्हाट डू यू बेसिकली मीन बाय पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, सर इसको समझने की कोशिश करना। सर मैं दो चीजों को लेकर चलता हूं। मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो चीजों को पढ़ा है, एक कहते हैं जिसको SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और दूसरे को कहा जाता है कैलेमन इलेक्ट्रोड। दोनों को जब मैंने पढ़ा तो मैंने उसको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड पढ़ा। अब हम उसका यूज करने वाले हैं पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में। दिस एग्जाम्पल इज जस्ट टू गिव यू एन हिंट अबाउट पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। हम बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, ये सिंपलेस्ट एंड द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन यू पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सर सपोज करो मेरे पास एक SHE है, मैंने यहाँ पर एक SHE लिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कैसे बनाते हैं हम सबको पता, प्लेटिनाइज प्लेटिनम प्लेट पे हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब कर दिया जाता है और सॉल्यूशन भी जो लिया जाता है वो H+ आयन का लिया जाता है। मैंने यहाँ पे HCl लिया है। आप कोई भी सोल्यूशन ले सकते हो जिसमें H+ प्रेजेंट हो और एक ऐसा सोल्यूशन जिसको आप एनालाइज करना चाहते हो, तो ये आपका एनालाइज है। मुझे नहीं पता इस HCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, पर मुझे इतना जरूर पता है अगर मुझे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार होना चाहिए, क्योंकि वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे होना चाहिए। तो हम स्टैंडर्ड कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा HCl का सोल्यूशन है जो कि मैं मान लेता हूं 1 मोलार है, या 1 मोलार से ज्यादा या 1 मोलार से कम हो सकता है। तो मैं इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं कहता हूं, मैं इसको सिर्फ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहता हूं और यहां से मैं 1 मोलार हटा देता हूं, क्योंकि मेरा सोल्यूशन मुझे नहीं पता कितने मोलार का है, वो 1 मोलार है, 2 मोलार है, 3 मोलार है, 5 मोलार है, 15 मोलार है, मुझे नहीं पता। तो मैं वहां सिर्फ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिखूंगा, मैं वहां से स्टैंडर्ड वर्ड को हटा देगा। साइड में मेरे पास कैलेमल इलेक्ट्रोड है, विच इज अनदर सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। सर कैलेमल इलेक्ट्रोड जो है उसमें सैचुरेटेड KCl के साथ Hg2Cl2 कैलेमल का पेस्ट लिया जाता है, नीचे मर्क्यूरी लिया जाता है। दिस इज द सॉल्ट ब्रिज जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ना मेरा सबसे बड़ा टारगेट ये है, मुझे बताओ अगर मुझे कैलेमल इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल लिखना है, विसेंस इट इज अ सैचुरेटेड कैलेमल, तो मुझे पता है कि सैचुरेटेड कैलेमल को हम लोग ई सैचुरेटेड कैलेमल इलेक्ट्रोड लिखकर, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि इसका जो वोल्टेज है वो फिक्स वोल्टेज है। एंड अगर हम सैचुरेटेड KCl यूज करते हैं, अगर मैं KCl का सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करता हूं तो वोल्टेज बदलती है, बट अगर मैंने सैचुरेटेड KCl लिया तो इसका वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.242 वोल्ट्स, तो इसकी वैल्यू फिक्स है, मुझे पता है ये वोल्टेज फिक्स हो गई। Now, मेरे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वोल्टेज कितना होगा, व्हाट विल बी दी वोल्टेज ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सिंस अब वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो उसको यूजिंग नर्स इक्वेशन में लिख सकता हूं, यूजिंग नर्स इक्वेशन मैं क्या लिखूंगा, मेरा ई ऑफ हाइड्रोजन, मैं H2 लिखता हूं, विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ हाइड्रोजन माइनस 2.303 RT upon N into F log to the base 10 और यहां पे आएगा रिएक्शन कोटेंट। ठीक है, अब ये रिएक्शन कोटेंट क्या है मुझे देखना पड़ेगा स्पेशली फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो एक काम करते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिएक्शन लिखते हैं। व्हाट इज दी रिएक्शन फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सिंस मैंने उसको यहां लिया है आई एम अज्यूमिंग कि वो वहां पे एनोड का काम कर रहा है,
इट्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, और मैंने कैथोड की जगह पे किसको लगाया हुआ है, मैंने कैथोड की जगह पे लगाया हुआ है आपके कैलेमल इलेक्ट्रोड को, ये कैथोड का काम करेगा और ये एनोड का काम करेगा। तो अगर वो एनोड का काम कर रहा है तो उसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्शन विल बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आप उसका रिएक्शन कैसे लिखोगे, हाइड्रोजन गेटिंग ऑक्सीडाइज, सो दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज इनटू टू टाइम्स एच प्लस एंड लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस एच प्लस विल बी एक्वियस, और ये हाइड्रोजन जो है वो कौन से स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट में होगा। तो ये मेरे पास रिएक्शन। एक काम करते हैं, इस सेल का, इस कंप्लीट सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आप इस सेल का रिप्रेजेंटेशन करें कैसे करोगे, सर सॉल्ट ब्रिज बीच में लगाया हुआ है, ये साइड में कौन है, प्लेटिनम का वायर है, ये प्लेटिनम का वायर किसके कॉन्टेक्ट में है, हाइड्रोजन के कॉन्टेक्ट में है जो कि गैस है, और लेट अस से वो 1 एटमोस्फियर पे है, और वो किसके कॉन्टेक्ट में है, यू हैव गॉट एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। अभी एच प्लस कितना कॉन्सेंट्रेशन है मुझे नहीं मालूम, तो मैं यहाँ पे ए लिख के छोड़ देता हूँ, दैट्स एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन, अगेन ए एच प्लस, तो एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन लिख के मैं छोड़ देता हूँ, आई डोंट नो कितना है। ये साइड में आपके पास कौन आ जाएगा, ये साइड में आपके पास सॉल्ट ब्रिज के पास कौन आएगा, यू विल बी हैविंग मर्क्यूरी विच विल बी इन लिक्विड स्टेट एंड इन कॉन्टेक्ट विद, ये किसके कॉन्टेक्ट में होगा, कॉन्टेक्ट विद Hg2Cl2 एंड दिस विल बी ऑब्वियसली सॉलिड, ये किसके कॉन्टेक्ट में होगा, दिस विल बी इन कॉन्टेक्ट विद KCl एंड दैट्स हाउ यू रिप्रेजेंट दिस सेल। आप इस सेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। तो ये साइड की जो चीज है आपकी वो किसका काम करने वाली है, एनोड का, और ये साइड की जो चीज है दैट्स योर कैलेमल इलेक्ट्रोड, वो किसका काम करने वाला है, कैथोड का। तो सर मुझे पता है यहां पर मेरे पास HCl है, उस HCl का एक्टिविटी कितना है फिलहाल मुझे नहीं पता, तो मैं एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन लिख के छोड़ देता हूं, या मैं कह सकता हूं एक तरीके से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन में लिख के छोड़ सकता हूं, अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, एट अ डाइल्यूट सॉल्यूशन एक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स इक्वल। आई होप ये फंडे से आप वाकिफ हो। तो एक काम करते हैं, अब मुझे बताओ अगर मुझे नर्स्ट इक्वेशन को वापस से रीराइट करना हो फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो मैं उस नर्स्ट इक्वेशन को कैसे लिखूंगा, ई नॉट ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल, ई ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ हाइड्रोजन माइनस, इस पूरे टर्म को अगर आप देखते हो, दिस कंप्लीट टर्म, इफ टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, आर का वैल्यू विल बी 8.314, एफ का वैल्यू विल बी 96500, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.0591 डिवाइडेड बाय एन का वैल्यू, एन का उधर ही रहेगा, लॉग टू द बेस 10। अब रिएक्शन कोटिंग की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आएगा, रेज टू स्क्वायर आएगा, डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, नाउ दिस विल बी प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, अनफॉर्चुनेटली प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन को आपने कितना लिया है, 1 लिया है, तो वहां 1 आ जाएगा, ना भी लिखोगे तो भी चलेगा। नाउ आप मुझे एक बात बताओ, ओवरऑल सेल का वैल्यू, मतलब ये जो पूरा गैल्वेनोमीटर है मेरे पास, ये गैल्वेनोमीटर जो है वो ओवरऑल सेल का वैल्यू बताता है, वो ओवरऑल सेल का वैल्यू कैसे बताएगा, तो ई नॉट ऑफ सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, या मैं कह सकता हूं ई ऑफ सेल विल बी इक्वल टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। सो दिस इज द फॉर्मूला। मुझे इस फॉर्मूला में एक चीज याद रखनी है कि सब कुछ जो होगा वो रिडक्शन के टर्म्स में होगा, और यहां जो मैंने लिखा है ये इक्वेशन, दिस इज इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अगर ये ऑक्सीडेशन के टर्म्स में है, जब मैं इस फॉर्मूले को यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा, मुझे एक और चीज पता है, ई ऑफ कैथोड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.242 माइनस ई ऑफ एनोड। नाउ मैं एनोड की वैल्यू को जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, इट हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन टर्म्स को जब तुम रिडक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आपको माइनस साइन सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, इसको वहां डालता हूं, तो मैं यहां पे जब इसको रिडक्शन के टर्म्स में लिखूंगा तो माइनस ई ऑफ एच टू लिखना पड़ेगा मुझे। द रीजन इज ये जो पोटेंशियल आप देख रहे हो ये ऑक्सीडेशन के टर्म्स में है, दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि मैंने नर्स्ट इक्वेशन को एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे लगाया है, बट मुझे जब इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है जो कि मेरा एक गैल्वेनोमीटर यूज करता है, दैट इज ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, तो वो वहां पे रिडक्शन के टर्म्स में बताता है। सो यहां पर जो ये था इसको मैंने किसके टर्म्स में कर दिया है, रिडक्शन के टर्म्स में, अंदर जो मेरा वोल्टेज था वो किसके टर्म्स में था, ऑक्सीडेशन के टर्म्स में। तो ऑक्सीडेशन की वोल्टेज के बाहर मैंने सिर्फ माइनस साइन लगाया है, यानी माइनस ई ऑफ एच टू विल बी इक्वल टू, अब ये किसके टर्म्स में हो जाएगा, रिडक्शन के टर्म्स में, विल बी माइनस E नॉट ऑफ हाइड्रोजन माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ब्रैकेट क्लोज। सो इसको मैंने रिडक्शन के टर्म्स में कन्वर्ट किया, अब मैं यहां सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करूंगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 0.242 एंड माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप ब्रैकेट में हाइड्रोजन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या हो जाएगा, E नॉट ऑफ हाइड्रोजन माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, मैं नीचे 1 लिख रहा हूं क्योंकि प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। दिस विल बी इक्वल टू 0.242 प्लस, सर मुझे पता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन
will be considered as zero. तो मैं यहाँ पे zero को place करूँगा. This will be bracket zero minus 0.0591/2. The number reason is कि number of electron involved in the reaction will be 2 and this will be log to the base 10. यहाँ पे square आएगा sir. I'm sorry for that. Log to the base 10 concentration of H plus ion. अब मैं उस square को नीचे ले लेता हूँ. अगर मैं उस square को नीचे लूँगा तो वो 2 नीचे आ जाएगा multiplication में. तो मेरा ये 2 और मेरा ये 2 cancel हो जाएगा. The square, the reason is कि वहाँ पे वो square में था stoichiometric coefficient है hydrogen के side में. This will be coming down. तो 2 और 2 cancel हो जाएगा. तो finally मेरे पास क्या बचेगा? 0.242 plus अंदर क्या आ जाएगा? Minus 0.0591 log to the base 10 concentration of H plus bracket close. Now एक और चीज मुझे पता है. Minus log to the base 10 H plus ion को pH कहा जाता है. That is in terms of hydrogen ion concentration को हम pH के terms में देखते हैं. So this will be 0.242. This will be plus अंदर क्या आ जाएगा? 0.0591 and this can be written as pH. ब्रैकेट ओपन करूं तो यहाँ पर ई ऑफ सेल होगा. एक काम करता हूँ, उसको उधर ही रखता हूँ और इस पूरे टर्म को यहाँ लेके आता हूँ. सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई ऑफ सेल माइनस 0.242 विल बी इक्वल टू 0.0591 पीएच. मुझे उम्मीद है समझ में आया. मैंने इस टर्म को ये साइड में रिप्लेस कर दिया. तो अब मेरा पीएच क्या हो जाएगा? पीएच विल बी इक्वल टू ई ऑफ सेल माइनस 0.242 होल डिवाइडेड बाय 0.0591 एंड दैट्स द फॉर्मूला. नाउ ये फॉर्मूला आपको क्या हेल्प करता है सर? ये फॉर्मूला आपको बहुत हेल्प करेगा. कैसे सर? मान लो मेरे पास एक अननोन सॉल्यूशन है. मुझे नहीं पता उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट एसिड या उस सॉल्यूशन का एसिडिक स्ट्रेंथ कितना है. वो 1 पीएच का है या 3 पीएच का है कि 4 पीएच का है कि 10 पीएच का, आई डोंट नो. क्योंकि पीएच से मुझे उसके अंदर के एच प्लस आयन की स्ट्रेंथ पता चल जाती है कितना है. मैं उस अननोन सॉल्यूशन को जो मेरा हैलाइड है उसको मैं लेके आता हूं और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अटैच कर देता हूं. मेरे पास कैलेमल इलेक्ट्रोड है जिसका वोल्टेज फिक्स है. अगर वो सैचुरेटेड है तो दैट कम्स आउट टू 0.242. जैसे मैं इसको अटैच करता हूं, मुझे सिर्फ करना ये है कि मुझे गैल्वेनोमीटर में चेक करना है कि ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होता है. जो भी वो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो ईएमएफ हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में होगा कि हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है. उस हिसाब से वो ईएमएफ निकल के आएगा. उस ईएमएफ की वैल्यू को मुझे यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, उसमें से इस फॉर्मूले को रीअरेंज करना है, इसको डिवाइड करना है, माइनस करना है और उससे आपको डायरेक्ट पीएच पता चल जाएगा. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे. आप इससे डायरेक्ट एक सोल्यूशन लो, बीकर लो, यू डोंट नो कितना पीएच है, उसको अटैच करो. उसको अटैच करने के बाद सिर्फ आपको ईएमएफ चेक करना है. वो ईएमएफ अपने आप आपको बता देगा कि उस सोल्यूशन का पीएच कितना है, बिकॉज हमने उसको डिराइव किया कि कैसे पीएच वहां से निकल के आएगा. सो सर ये वन ऑफ द मेथड है. इसको पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन कहा जाता है. अब आप क्या कर सकते हो? अगर आपको देखना है कि पीएच में चेंज कैसे आता है, आप उस एसिड के सॉल्यूशन को, जो भी एसिड का सॉल्यूशन है, आप उसको ब्यूरेट में एक बेस भरो और बेस के साथ उसको टाइट्रेट करना स्टार्ट करो एंड जस्ट लुक एट कि किस तरीके से ईएमएफ चेंज होता है. जैसे जैसे आप बेस अंदर डालोगे, बेस उस एच प्लस आयन को न्यूट्रलाइज करेगा. जैसे जैसे एच प्लस आयन न्यूट्रलाइजेशन होगा, उसका इफेक्ट डायरेक्ट ईएमएफ पे पड़ेगा. क्योंकि मेरे ईएमएफ के फॉर्मूले में अगर आप देखो, इफ दिस इज माय ईएमएफ का फॉर्मूला, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.242 प्लस 0.0591 पीएच. तो अगर बेस डालने से एच प्लस न्यूट्रलाइज होगा और एच प्लस कम होगा, अगर एच प्लस कम होगा तो पीएच बढ़ेगा, अगर पीएच बढ़ेगा तो आपके ईएमएफ पे फर्क पड़ेगा. तो आप एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हो. आप ग्राफ कैसा प्लॉट कर सकते हो? आप यहां पे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, और यहां पर आप डालोगे ईएमएफ का वैल्यू. जब आप यहाँ ईएमएफ की वैल्यू को प्लॉट करोगे तो आपको एक ग्राफ मिलेगा जो आपको ये बताएगा कि किस तरीके से एच प्लस जब अंदर चेंज हुआ तो ईएमएफ पे फर्क पड़ा, और उससे आप ये पता लगा सकते हो कि कहां पर एंड पॉइंट आया होगा. सर ये एक अकेला मेथड नहीं है. यहां हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज किया है एच प्लस के कॉन्सेंट्रेशन को पता करने के लिए. ऐसे ही कुछ और इलेक्ट्रोड हैं जिनका हम यूज कर रहे हैं, जिसमें से एक बहुत फेमस इलेक्ट्रोड है जिसको कहा जाता है ग्लास इलेक्ट्रोड. सर ग्लास इलेक्ट्रोड का फंक्शनिंग भी सेम है. ग्लास इलेक्ट्रोड इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड जहां आप मेम्ब्रेन का यूज करते हो. यहां पर हमने जो यूज किया है डायरेक्ट हमने यूज किया है, इट्स मोर सोफिस्टिकेटेड, वो बहुत सेंसिटिव है. ग्लास इलेक्ट्रोड के बारे में आने वाले वीडियोज में हम बहुत डिटेल में पढ़े. मुझे उम्मीद है आपको पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन समझ में आया. दिस इज जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दैट यू हैव स्टडीड टिल नाउ. थैंक यू.